नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैक्रोबस में। तो दोस्तों बात करेंगे आज सिंपल एंड बेसिक ट्यूटोरियल पाइप बेंड इन क्रियो पैरामेट्रिक क्विक लर्न एंड इजी। इस पूरे वीडियो को मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं पाइप बेंड इन क्रियो पैरामेट्रिक। न्यू पार्ट एंड सॉलिड पिट क्लिक करेगा, अनटिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो नाम डालना है आप डाल सकते हैं, जो भी ड्राइंग बना रहे हैं आप वो। जैसे मैं पाइप बेंड डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों स्पेस नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है आपको, देन ओके। यहाँ पे MMNS पार्ट सॉलिड के ऊपर क्लिक करना है। MMNS पार्ट सॉलिड मीन्स मिलीमीटर न्यूटन सेकंड होता है। यहाँ पे क्लिक कर दो एंड ओके कर दो। देन उसके बाद थोड़ा लोड होगा। देन उसके बाद आपको स्केच के ऊपर क्लिक करना है, फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करना है एंड स्केच निकालना है एंड नॉर्मल व्यू करना है। ओके दोस्तों एक बार स्केच देख लो। यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है सभी स्केच के, जो सेंटर लाइन है वो अपने को निकालना है। सबसे पहले 88 उसका डायमेंशन है एंड उसके बाद 58 डायमेंशन है। चलो लाइन के ऊपर क्लिक कर दो एंड सिंपल लाइन निकाल दो। फर्स्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर दो, फर्स्ट डायमेंशन 88 डाल दो एंड सेकंड डायमेंशन 58 डाल दो। उसके बाद एक बार स्केच देख लो। उसके बाद वहाँ पे फिलेट दिया हुआ है 35 का, फिलेट दे देते हैं अपन 35 का। फिलेट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट दिस लाइन एंड 35 के स्केच ओके। देन उसके बाद आपको सिंपल स्वीप में जाना है एंड स्केच ड्रॉ स्केच के ऊपर क्लिक करना है, एडिट स्वीप एंड नॉर्मल व्यू करना है। देन उसके बाद आपको सर्कल देख लो कितने का सर्कल दिया हुआ है। एक बार यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है 26 इनर सर्कल है एंड आउटर सर्कल 40 ओके। एक सर्कल निकालेंगे, एक इनर एंड आउटर सर्कल। इनर सर्कल डायमेंशन दे देंगे 26 एंड आउटर सर्कल का डायमेंशन दे देंगे 40 ओके एंड ओके कर दो। ये बन गया आपका पाइप बेंड पाइप ओके। उसके बाद स्केच के ऊपर देख लो, उसके बाद सर्कल दिया हुआ है वो सर्कल का डायमीटर है 78। चलो सर्कल का डायमीटर सबसे पहले स्केच ले लो, उसके बाद जो फेस पे निकलना उस फेस सिलेक्ट कर दो एंड स्केच कर दो एंड नॉर्मल लो। सर्कल 78 का सर्कल निकाल दो, डायमेंशन इडी 78। उसके बाद जो बीच में है उसको हॉलो करना है, तो बीच का सर्कल निकालना होगा अपने को। तो सर्कल निकाल दिया एंड ओके कर दो। उसके बाद एक्सट्रूड कर दो। अभी एक्सट्रूड कितने का है अपने को देखना पड़ेगा, तो एक्सट्रूड एक बार स्केच देख लेते। एक्सट्रूड 8 से एक्सट्रूड दिया हुआ है वहाँ पे, तो 8 से अपन एक्सट्रूड कर देंगे उसको। तो 8 डाल दो वहाँ पे एंड ओके कर दो। देन उसके बाद आपको एक बार स्केच देख लो, 1, 2, 3, 4 सर्कल दिया हुआ है 10 का, तो सर्कल ले लेंगे, फिलेट फेस स्केच एंड नॉर्मल। सर्कल के ऊपर क्लिक कर दो एंड सर्कल निकाल दो। कितने का सर्कल है एक बार देख लेते हैं। 10 का सर्कल है एंड उसका डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से 30 ओके। तो 10 का सर्कल दे दो यहाँ पे एंड सेंटर से डिस्टेंस है 30 यहाँ पे 30 एंड ओके कर दो। देन एंड एक्सट्रूड कट। यहाँ पे कितने से भी सिर्फ हॉलो करने आपको जरूरी नहीं, 20 लेना है कितने भी ले सकते हो, ठीक है ओके। उसके बाद 4 सर्कल है वहाँ पे, तो इसको पैटर्न कर देंगे अपन। सबसे पहले एक्सट्रूड को सिलेक्ट कर दो,
उसके बाद सिलेक्ट पैटर्न एंड एक्सिस पैटर्न करेंगे, एक्सिस सेंटर वाला एक्सिस सिलेक्ट कर दो एंड ओके कर दो, हो गया पैटर्न आपका। ओके देन उसके बाद अपने को ए वाला व्यू निकालना है, चलो ओके सिलेक्ट स्केच फेस सिलेक्ट स्केच एंड नॉर्मल, सेम प्रोसेस है सर्कल निकाल दो, सिंपल है लर इजी इजीली अपन पढ़ सकते हैं। उसके बाद 17 का सर्कल निकाल दो एंड 30 का, वो टेंजेंट से किया हुआ है तो देख लो 70, उसके बाद एक 30 का सर्कल निकाल देंगे 30, देन एक सिंपल टेंजेंट लाइन निकालना है अपने को, कितने का है वो 29 का डिस्टेंस दिया हुआ है टेंजेंट के लिए, तो अपन 29 का डिस्टेंस दे देंगे यहाँ पे। ओके उसके बाद टेंजेंट लाइन लेंगे, सेंटर लाइन मिरर के लिए ले लो एंड देन मिरर सिलेक्ट मिरर देन मिरर ओके सिलेक्ट टेंजेंट एंड इसको भी मिरर कर दो, अच्छे से टेंजेंट ले लो बराबर नहीं आया था टेंजेंट। देन इसको चारों तरफ मिरर कर दो ये लाइन को, मिरर करते वक्त सेंटर लाइन लेना जरूरी है नहीं तो मिरर नहीं हो सकता। ओके ऐसे सेंटर लाइन लेना, मैंने नहीं ली थी तो मिरर नहीं हो रहा था, तो सेंटर लाइन लेना जरूरी है, सिलेक्ट देन सिलेक्ट एंड सिलेक्ट सेंटर लाइन मिरर एंड देन सिलेक्ट सेंटर लाइन। ओके चलो अभी इसको एरिस कर दो, एरिस भी कमांड हो एंड एरिस कर दो बाकी सभी को, नो ठीक है डबल कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, फिर से एरिस कर देता ओके समझ में आ रहा है दोस्तों, सिंपल है नॉर्मल ही है अपन निकाल सकते हैं, जो अभी फ्रेशर अभी स्टार्ट किया है क्रियो पढ़ाना वो इजीली निकाल सकते हैं ड्राइंग को। ठीक है कोई भी दिक्कत आती है कोई भी इश्यू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है चलो सर्कल ओके स्केच कितना दिया हुआ है इसका 11, चलो 11 से एक्सट्रूड कर देते हैं इसको ओके देन उसके बाद देन उसके दो सर्कल दिया हुआ है सेंटर से, तो एक ऐसे लेना है देख लो ध्यान से, रेफरेंस क्लिक करना है सबसे पहले फेस क्लिक कर दो, थोड़ा इस तो 12 का सर्कल है ध्यान से देखिए, इसको स्केच कर दिया मैंने स्केच एंड नॉर्मल, सिंपल रेफरेंस में जाना है रेफरेंस होता है यहाँ पे क्लिक करना है एच पे क्लिक करना है तो सर्कल डॉटेड में आ जाएंगे वहाँ पे। ओके सेंटर पॉइंट मिल गया अपने को, तो यहाँ पे सर्कल निकाल दो 12 का सिंपल 12 का सर्कल, उसके बाद दिस साइड 12 सर्कल पैरेलल ले लिया मैंने, देखो ये दोनों पैरेलल मतलब इधर डायमेंशन देने की जरूरत नहीं। ओके एंड एक्सट्रूड कर दो 12 से कर दो एक्सट्रूड, क्योंकि वो 11 का एक्सट्रूड था तो मैंने 12 से कट कर दिया एक्सट्रूड कर। ओके ये हो गया आपका डायग्राम, देख लो कोई छूटा है क्या डायमेंशन, एक बार चेक कर लो सभी डायमेंशन, जो छूटा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2.5 का डायमेंशन अपन ने नहीं दिया हुआ है तो 2.5 का डायमेंशन अपन राउंड फिलेट है वहाँ पे राउंड दे देते हैं, कितने का राउंड है 2.5 तो ऊपर भी 2.5 कर देंगे 2.5
ओके दोस्तों, ये हो गया आपका व्यू। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू।